फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, हमें इंग्लिश के रिवीजन शुरू कर दिया ऑलरेडी और ये पार्ट टू का वीडियो है। ओके, लैंग्वेज स्टडी के जो ग्रामर्स आते हैं वो हम कवर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम हिडन वर्ड्स लेंगे, ओके, और अरेंज द वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना। ओके, पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए, फाइंड टू हिडन वर्ड्स ऑफ द मिनिमम फोर लेटर। दोस्तों, दो हिडन वर्ड्स अपने को निकालना है और कम से कम ये चार लेटर का होना चाहिए। पाँच और छः का भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, लेकिन चार से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना अपने को। अब यहाँ पर अपने पास ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों, ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सा ये पूरा रिवाइज करके जाना अच्छे से और नोट्स बनाना। हर ग्रामर के हम लोग 10-10 एग्जाम्पल ले रहे, ओके। चलिए, पहला है एंड्यूरेंस। तो एंड्योरेंस में पहला वर्ड में लिखूंगा एंड्योर। एंड्योर यानी कि जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती दोस्तों, उसको बोलते हैं एंड्योर, ओके। और इसके अंदर से फिर डांस भी निकल रहा है, तो ये भी वर्ड हम लोग ले सकते हैं, डांस, ओके। तो ये आंसर अपना कंप्लीट हो गया, सिंपल एकदम। फिर सेकेंड है ट्रैकियाटॉमी। तो ट्रैकियाटॉमी में भी ज़रूरी नहीं दोस्तों दो ही वर्ड लिखना है, आप दो तीन चार पाँच ही लिख सकते हैं, ओके। अब दो ही पूछा गया तो दो ही लिखेंगे हम लोग, ओके। बहुत सारे वर्ड निकलते हैं इसके अंदर। अब जैसे कि ट्रैकियाटॉमी में देखिए टीच निकलता है, तो मैं लिखूंगा पहले टीच, CHEAT। देखो चीट भी निकल रहा है यहाँ पर, ओके। फिर इसके बाद और अगर आप निकाल रहे तो HEC TOR, हेक्टर भी निकलता है। फिर मेटियोर, मेटियोर भी निकलता है। तो दोस्तों बहुत सारे वर्ड निकलते हैं, तो कोई भी हम दो वर्ड अच्छे से लिख लेंगे, ओके। चलिए ट्रायम्फेंट। तो ट्रायम्फेंट में भी दो वर्ड हम लोग लिखेंगे, ट्रायम्प, आंसर में लिखेंगे ट्रायम्प। अच्छे से स्पेलिंग लिखिए दोस्तों, मिस्टेक ज़रा नहीं करेंगे। और ट्रम्प भी लिख सकते हैं, ट्रम्प, TRUMP, ये भी एक वर्ड होता है दोस्तों, ओके। चलिए उसके बाद रिस्टोरेशन। तो रिस्टोरेशन में दो वर्ड देखो, यहाँ पर ये लास्ट जो फाइल है सिक्स लेटर है, ये अपना ऑलरेडी वर्ड बन गया, जैसे कि रैशन, ओके। रैशन के बाद आप नेशन भी लिख सकते हैं, स्टेशन भी लिख सकते हैं, ओके, NATION, डबल N नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो हम लोग रैशन लिखेंगे, स्टेशन लिख सकते हैं दोस्तों, तो स्टेशन लिखेंगे यहाँ पर दो वर्ड, ओके। REST, रेस्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों। फिर बाद में RATIO, रेशियो भी लिख सकते हैं, ओके। चलिए गवर्नमेंटल। तो गवर्नमेंटल में सबसे पहले गवर्न लिखेंगे हम लोग, उसके बाद ये मेंटल। तो ये दो वर्ड अपने हो गए जो मिनिमम फोर लेटर पूछा गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग कन्वर्जेशन। तो कन्वर्जेशन पे आते हैं हम लोग, तो कन्वर्जेशन में NATI, तो यहाँ पर नेशन लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, नेशन लिख सकते हैं, ओके। नेशन के बाद कन्वर्जेशन में रैशन भी लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, RATION, ओके। फिर वर्जन भी लिख सकते हैं, VERSION। फिर कॉन्वेंट भी लिख सकते हैं, CONVENT, कॉन्वेंट भी लिख सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट सेवन पे जाते हैं हम लोग, हैवीली। तो हैवीली में हैवी एक वर्ड मिल गया अपने को यहाँ पर, और EVIL, ईविल, तो ईविल भी एक वर्ड है दोस्तों, तो ये भी लिख देंगे, ओके। तो ये दो वर्ड अपने ऑलरेडी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग परहैप्स। तो परहैप्स में SHAPE, शेप लिख सकते हैं हम लोग, SHAPE, शेप, ओके। देन SHARE, शेयर भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये परहैप्स में दो वर्ड अपने को निकल गए, ओके, जो मिनिमम फोर लेटर वर्ड के होना चाहिए। फिंगर। तो फिंगर में रिंग ले सकते हैं यहाँ पर, RING, रिंग, ओके। और FRINGE, फ्रिंज भी लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, FRINGE, फ्रिंज भी लिख सकते हैं, ओके। चलिए लास्ट एथिकल। एथिकल में
EAL हील निकल रहा है यहाँ पर वर्ड एक, तो लिखेंगे हील और CHEAT, चीट भी निकल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर चीट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइंड आउट टू हिडन वर्ड्स है ऑफ मिनिमम फोर लेटर वर्ड्स। तो ये अच्छे से इसके नोट्स बना लो, एग्जाम के टाइम पे दोस्तों आपको ये सब रिवाइज करके जाना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर फाइव पे चलते हैं हम लोग लैंग्वेज स्टडी के। तो अब यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल के हिसाब से हम लोग को ये इसके क्रम में लगाना है और ये इनको लाइन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको वर्ड्स को लिख लेना है। ओके तो चलिए अपने पास दिया हुआ है यहाँ पर एंशियंट, एंसेस्टर, ऑडियंस और उसके बाद एडमेंट। ओके तो दोस्तों हम लोग कैसे इसको करेंगे, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड ए है, सब में ए है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर यू है और यहाँ पर डी है। ओके तो सबसे पहले वर्ड डी पहले आता है, ओके यू बाद में आता है, एन भी बाद में आता है, यहाँ पर भी एन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आंसर में एडमेंट, एडमेंट। ओके फिर एडमेंट के बाद सेकेंड नंबर पे आएगा एन लेंगे। ओके अब यहाँ पर दोनों जगह पे एन है, सी सी भी है और इधर आई है और इधर ई है, तो ई पहले आता है आई के, तो एंसेस्टर आएगा सेकेंड्स में, एंसेस्टर्स। ओके फिर थर्ड एंशियंट और फोर्थ है अपना फोर्थ ऑडियंस आएगा, तो ऑडियंस यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। ओके इजी है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोफेसर पीटर परेरा और प्रेसिडेंट। तो अगर आप देखें दोस्तों पहला वर्ड पी पी ए सेम है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। ओके तो आर के पहले ई आता तो ये दोनों में से एक होगा पहले, तो यहाँ पर टी है और यहाँ पर आर है, तो दोस्तों आर पहले आता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे परेरा, मैं नंबर डालता हूँ, आप परेरा पहले लिखेंगे आंसर में। ओके फिर सेकेंड नंबर पे टी बाद में आता है तो पीटर सेकेंड नंबर पे आएगा, कॉमा डाल के लिखेंगे। ओके फिर बाद में यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी इधर ओ है और इधर ई है, तो ई पहले आता ओके, तो प्रेसिडेंट आप थर्ड नंबर पे लिखेंगे और कॉमा डाल के प्रोफेसर को आप फोर्थ नंबर पे कर देंगे दोस्तों। ओके इजी है, तो ये आंसर में आप लिख लेंगे इसको लाइन से। चलिए थर्ड पे देखते हैं हम लोग, थर्ड पे क्या है, साइंस स्टेयरकेस स्टोरी और सराउंडिंग दिया हुआ है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर भी सेम एस पहले है, टी टी यहाँ पर पहले है, ओके सी बी ए और यू बी ए, तो सबसे पहले साइंस में एस सी पहले आता दोस्तों, तो यहाँ पर साइंस हम पहले लिखेंगे। ओके फर्स्ट नंबर पे साइंस आएगा, फिर सेकेंड पे स्टेयरकेस, ओके और फिर थर्ड पे स्टोरी, फिर फोर्थ पे सराउंडिंग। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में होता है कि लाइन से ही अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे देते हैं और बोलते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, तो चारों आंसर अपने लाइन से आ ही गए दोस्तों। ओके चलिए फोर्थ लेते हैं हम लोग, स्लीप सडनली सॉल्यूशन और सिक्योरिटी है। ओके तो सेम एस पहला वर्ड है, एल इधर यू है, ओ है और ई है, तो सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटी को पहले लेंगे। ओके नंबर वन सिक्योरिटी पे ई पहले, ओके फिर उसके बाद में हम लोग एल, उसके बाद में एल, फिर तो सेकेंड नंबर पे स्लीप, ये देखेंगे स्लीप। ओके उसके बाद में थर्ड नंबर पे सॉल्यूशन, थर्ड नंबर पे लेंगे हम लोग, ओके ओ ए, फिर ओ एस टी यू, तो फिर फोर्थ पे आएगा अपना सडनली। ओके ठीक है, समझ में आ रहा सबको अच्छे से। चलिए फिफ्थ वाले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, फिफ्थ में दिया हुआ है एपिक, राइट, एबल और हार्ट दिया हुआ है। ओके तो एबल सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ए सब में ए पहले आ रहा है यहाँ पर। ओके एबल, फिर उसके बाद में सेकेंड नंबर पे ई, ई लिखेंगे कॉमा डाल के और फिर एच, एच आर एस टी यू वी एच आर, तो थर्ड नंबर पे हार्ट आएगा एच और आर राइट, यानी कि ये फोर्थ नंबर पे आएगा आपके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट,
पैशन, प्रोफाउंड, प्रीमियर और पेन। ओके, अब इसमें भी दोस्तों अपने को ध्यान देना है अच्छे से। ओके, ज़रा मिस्टेक हुई तो अपने आंसर गलत हो जाएगा। पी पी सेम है यहाँ पर, यहाँ पर ए पहले आ रहा है तो पेन को हम लोग पहले नंबर पे लिखेंगे। ओके, और फिर बाद में यहाँ पर पैशन सेकंड नंबर पे, एस आया। ओके, सेकंड नंबर पे पैशन लिखेंगे। फिर पी आर ई पहले आएगा, ओ बाद में आएगा, तो प्रीमियर को हम लोग थर्ड नंबर पे लेंगे और प्रोफाउंड को हम लोग फोर्थ नंबर पे इस तरह से ले लेंगे। ओके, सिंपल एकदम। चलिए फोर्थ उसमें चलते हम लोग। देन मोशनलेस, स्क्रैप, लीन और यहाँ पर दिया हुआ है अपोजिट। ओके, तो एल पहले आता है दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लीन, पहले नंबर पे लिखेंगे, और फिर एल एम, तो फिर मोशनलेस सेकंड नंबर पे लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद में ओ एस, तो ओ पहले आता है तो थर्ड नंबर पे अपोजिट आएगा, और फोर्थ नंबर पे हम लोग लिखेंगे स्क्रैप्ड। ओके, चलिए एट पे देखते हैं हम लोग। फेदर्स, फेल्ट, फ्लैप्ड और फादर दिया हुआ है यहाँ पर। एफ एफ यहाँ पर कॉमन है सब में। ओके, एफ के बाद में ए पहले आ रहा है तो यहाँ पर फादर को हम लोग पहले नंबर पे ले लेंगे। ओके, फिर ई, फिर इसके बाद में हम लोग लेंगे फेदर्स, और यहाँ पर भी ई है, ए पहले था तो फेदर्स लिए, एल है तो हम लोग बाद में लेंगे थर्ड नंबर पे। ओके, और फिर एल लास्ट में आता है तो हम लोग लिखेंगे फ्लैप्ड फोर्थ नंबर पे। ओके, लाइन से कॉमा डाल के लिख लेंगे इसको। नाउ फ्रंट, बेगर, एंशियंट और अर्थ। दोस्तों यहाँ पर सब रैंडमली नंबर दिए हुए स्टार्ट के लेटर, तो एकदम ही ईजी है इसको पहचानना। ओके, एंशियंट को हम लोग पहले नंबर पे ले लेंगे क्योंकि ए है। ओके, सेकेंड नंबर पे बी तो बेगर, थर्ड नंबर पे ई तो अर्थ लिखेंगे, और फोर्थ नंबर पे फ्रंट को लिख देंगे हम लोग। ओके, चलिए लास्ट को भी देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग एकदम। नॉकिंग, किडनैप, निटिंग और किल दिया हुआ है। के स्टार्टिंग वर्ड है यहाँ पर, आई दो बार है। ओके, तो आई एन बाद में आते हैं, तो आई किल्ड या किडनैप ये दोनों में से कोई पहले नंबर पे रहेगा, तो इधर भी आई है, डी और एल है, तो डी पहले आता है दोस्तों, तो पहले सबसे पहले किडनैप लेंगे हम लोग नंबर वन पे, सेकंड पे हम लोग लेंगे किल्ड। ओके, और एन, एन यहाँ पर भी है, आई और ओ, तो आई पहले आता है तो नीटिंग थर्ड नंबर पे लिखना है आपको, और नॉकिंग आपको सबसे लास्ट में लिखना है फोर्थ नंबर पे, कॉमा डाल के लिख लेंगे इस तरह से। ओके, तो एकदम ही सिंपल है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट हमने कवर करें आज के इसमें। दोस्तों आप अच्छे से नोट्स बनाओ एग्जाम के टाइम पे, ये अपने नोट्स आपको श्योर श्योर देख के जाना है, रिवाइज करके अच्छे से जाना है। ओके, तो डेली हम सुबह शाम आपके इंग्लिश के वीडियो डालेंगे, तो अच्छे से इसको देखो। और भी कोई लैंग्वेज के आपको होना, ग्रामर होना तो, या कुछ भी राइटिंग स्किल होना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। अच्छे से लाइक करना, कमेंट करके बताना अच्छा लगा कि ख़राब लगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहना जोया मैथ्स अकेडमी।